चांदनी रातें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रात के इस समय में जब सभी जीवों की ऊर्जा अधिकतम होती है और चांदनी हर कोने को रौंगते हैं, तो यह एक अद्वितीय और मानसिक अवस्था होती है। चांद की खूबसूरती और उसकी आकृति से हमारे जीवन को रोमांचित करने की क्षमता है, और इसका अध्ययन विज्ञान और साहित्य में लोगों के लिए सबसे रोमांचक विषयों में से एक बन गया है। चलो आज हम चांद के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह रात के आकाश में एक चमकदार वस्तु है जिसने सदियों से मनुष्यों को मोहित किया है। यह पृथ्वी से लगभग 218,855 मील की दूरी पर स्थित है और हमारे ग्रह के चारों ओर लगभग 27.3 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा की सतह चट्टानी और धूल भरी है और इसमें कई गड्ढे, पर्वत और घाटियां हैं। चंद्रमा का पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। ये पृथ्वी के ज्वार को नियंत्रित करता है और हमारे ग्रह के घूर्णन को स्थिर करने में मदद करता है। चंद्रमा का प्रकाश भी रात के दौरान पृथ्वी को रोशन करने में मदद करता है। चंद्रमा का मनुष्यों पर भी एक लंबा इतिहास है। प्राचीन काल से चंद्रमा को एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता था। यह माना जाता था कि चंद्रमा का चरण लोगों के भाग्य और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा ने कविता, संगीत और कला जैसे विभिन्न कला रूपों को भी प्रेरित किया है। 1959 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर चलने वाले पहले मानव बने। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने दुनिया भर के लोगों को चकित कर दिया। चंद्रमा पर उतरना अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि थी और यह दर्शाता है कि मनुष्य क्या कर सकते हैं जब वे एक साथ काम करते हैं। चंद्रमा एक रहस्यमय और आकर्षक स्थान है जो अभी भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। भविष्य में हम शायद चंद्रमा पर स्थायी बस्तियां बनाने या यहां तक कि मंगल ग्रह पर जाने के लिए इसे एक आधार के रूप में उपयोग करने में सक्षम होंगे। एक बात निश्चित है, चंद्रमा हमेशा हमारे आकाश में एक चमकदार वस्तु बना रहेगा और यह हमें हमेशा आश्चर्यचकित और प्रेरित करना जारी रखेगा। चंद्रमा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का छठा हिस्सा है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा की सतह का तापमान दिन में 260 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर रात में 280 डिग्री फॉरेनहाइट तक हो सकता है। चंद्रमा पर पानी का बर्फ के रूप में कुछ गहरे गड्ढों में पाया गया है। चंद्रमा पर कई अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। चंद्रमा एक अद्भुत और रहस्यमय जगह है जिसने सदियों से मनुष्यों को मोहित किया है। भविष्य में हम शायद चंद्रमा के बारे में और भी अधिक सीखने में सक्षम होंगे और यहां तक कि इसे एक दिन अपना दूसरा घर बना लेंगे।